राम राम दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला का SYL के ऊपर एक गाना आया। गाने में कह रहे हैं कि पानी का टोपा नहीं देंदे। इस सॉन्ग के ऊपर आपा हरियाणा का पक्ष रखेंगे, गेला गेल बात करेंगे SYL के रोले की भी। और इस गाने में एक नाम लिया गया बलविंदर जटाना। बहुत सारे भाई ने पूछे यू बलविंदर जटाना कौन है, तो उनके बारे में भी बतावेंगे। दोस्तों, आपा यार कोई हरियाणा वर्सेस पंजाब नहीं करने वाले, आपा सब भारतीय हैं, पर सिद्धू मूसेवाला के गाने के बोल सुनकर आपने दूसरे पक्ष यानी हरियाणा की साइड भी सुननी चाहिए। उसे की आपा बात करेंगे। पहली लाइन में कहो है, मारे पूर्वज और परिवार दे दो चंडीगढ़ हिमाचल और हरियाणा वापस। तीनों जगह फिर तक पंजाब में मिलाकर अनडिवाइडेड पंजाब बना दो। हिमाचल के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, चंडीगढ़ है किसका, जहां आपने न्यू देखना है तो आपने यह वीडियो बना रखी है, नीचे लिंक दे दिया है, बिना पक्षपात की वीडियो है, यह वीडियो भी देख लियो। इस बात करें हरियाणा की, हरियाणा ने उल्टा मिला दो। क्यों मिला दे भाई हरियाणा ने उल्टा? गाना बनाने से पहले इतिहास के पन्ने जरूर पलटने चाहिए थे। 1857 की क्रांति में हरियाणा के इस क्षेत्र की 36 बिरादरियां ने मिलकर जब अंग्रेजा के छक्के छुड़ा दिए थे, और कुछ टाइम तक याद रखियो, कुछ टाइम तक हरियाणा आजाद हो गया था अंग्रेजा तय। जब अंग्रेजा लग गया था कि भाई इस एरिया के लोग तो बहुत खतरनाक हैं, ये कोनी न्यू काबू आवे, और सजा के तौर पे 1858 में हरियाणा को काट के पंजाब में मिला दिया गया था। कितने काट के मिलाया था? उस टाइम हम उत्तर पश्चिमी प्रांत, आज का जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसका हिस्सा थे। ओडे तक काट के 1858 में पंजाब में मिलाया था। इब जब कोई न्यू सोचे कि छोरा झूठ बोल रहा, तो हरियाणा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख लियो, न्यू की न्यू कहानी लिख रही है। और पंजाब ने अंग्रेजा की खूब मानी, और एक टाइम पे फलदे बुलदे क्षेत्र को इतना सताया कि इसने पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहने लगे। आप एक बात सोच कर देखो, पंजाब गेल मारी भाषा नहीं मिलती, कल्चर नहीं मिलता, पहनावा नहीं मिलता, खाना पीना नहीं मिलता। पंजाब गेल हरियाणा को फिट करने का तुक्के था, मारा यो सब मिलाकर दा मेल जोल था पश्चिमी यूपी के साथ, जिसका हमें हिस्सा थे। आजादी के बाद भी हरियाणा गेल ओनाड़ायु भेदभाव रुका नहीं। आपने मैं गवर्नमेंट की नौकरियां की लिस्ट दिखाऊंगा, उसमें आप देखियो पंजाब के, आज के पंजाब के क्षेत्र के कितने लोग लग रहे हैं, और आज के हरियाणा के एरिया के कितने लोग उस टाइम सरकारी नौकरी लग रहे थे। सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज टोटल 109 थे, पंजाब वाले क्षेत्र के 105 थे, हरियाणा के क्षेत्र के सिर्फ 4 थे। IAS 107 थे टोटल, पंजाब तक 102 थे और हरियाणा तक 5 थे। PCS ऑफिसर्स 309 थे, 289 पंजाब तक थे और हरियाणा तक सिर्फ 20 थे। लॉ ऑफिसर्स 28 थे, 26 पंजाबी बोलने वाले क्षेत्र थे और हरियाणवी बोलने वाले क्षेत्र थे सिर्फ 2 थे। ईसा आल तो तुमने हरियाणा के इस क्षेत्र का कर रखा था, और फिर नुको हो हरियाणा ने उल्टा दे दो। दोस्तों, यह जो टेबल वाली जानकारी है, आपने लैंड ऑफ द गॉड्स द स्टोरी ऑफ हरियाणा रिटन बाय अर्जुन सिंह का अध्ययन इस किताब में मिल जाएगी। चलो आगे बढ़े, अगली लाइन में नुको है कि कोई समाधान काट दो, नहीं तो हम पानी का टोपा भी नहीं देंगे। की कहानी सुनो, SYL की फुल फॉर्म है सतलुज यमुना लिंक। कति शुरू तो बात शुरू करें, 1955 में केंद्र सरकार ने रावी और ब्यास नदी का पानी बनाना था जम्मू कश्मीर राजस्थान और अनडिवाइडेड पंजाब के बीच में, तो एक कमेटी बिठाई गई पानी ने मापन थी। उसने बताया कि 15.85 MAF पानी है इन दोनों नदियों में, तो 8 MAF तो गया राजस्थान के दौरे, 7.2 गया संयुक्त पंजाब के पास, अनडिवाइडेड पंजाब और हरियाणा जो उस टाइम के थे उनके पास, और 0.65 गया जम्मू कश्मीर दौरे। यो पानी तो बिना किसी रोले रपटे के बंट गया। पर जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया, तो 24 मार्च 1976 ने केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करी कि जो 7.2 पानी संयुक्त पंजाब के पास था, उसमें था ईब 3.5 तो ले जाएगा हरियाणा और 3.7 रखेगा पंजाब। एक बात केंद्र सरकार ने और कही कि पानी ने जाना है पंजाब तक हरियाणा, तो एक नहर की जरूरत पड़ेगी। जिस राज्य में जितना एरिया नहर का आवेगा, वो राज्य उसका जो निर्माण होगा नहर का, उसका खर्चा ठा होगा। हरियाणा ने तो फटाफट 4 साल में 1980 तक
उस नहर का निर्माण करके तैयार कर दी, पर पंजाब पंजाब ने तो कसी भी नहीं मारी, कोई निर्माण शुरू नहीं कराया। हालांकि बाद में निर्माण शुरू होया था, जिसको बाद में रोक दिया गया, जिसका वीडियो में आगे जिक्र करेंगे कि वो क्यों रोका गया। पर सो का जोर यो है, सच्चाई यह है कि पंजाब की आगे की अंगाई में आज तक भी हरियाणा ने अपना SYL का पानी का हिस्सा नहीं मिला। दोस्तों, जो आपने SYL के ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो यह वीडियो बना रखी है, इसका लिंक भी नीचे दे रखा है, यह वीडियो भी इसकी वीडियो के पास है, देख लियो। ये पंजाब और हरियाणा वाले दोनों मिलकर बताओ, जब छोटा भाई न्यारा हो तो कि उसने इस डाल न्यारा करा करें कि पीने का पानी भी नहीं देवे, अरीब न्यू को समाधान कर दो, समाधान कर दो, नहीं तो पानी का टोपा भी नहीं देंगे। तो जो समाधान पत्थर लिखे डर है केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन के द्वारा, उसने कहता मान हो हूं तो हम भाई किसान आंदोलन में तो, और किसान आंदोलन खत्म होंगे हम कुछ भी नहीं, मारे बड़े बुढ़े ठीक कह गए, चाह तो भाई भाका और नहीं अपने दाका। गाने के आखिरी में एक लाइन और है कि तुम पीछे जा नहीं हटोगे तो बलविंदर जटाना फिर आवेगा। कौन सा बलविंदर जटाना? दोस्तों, पंजाब की साइड में जो थोड़ा बहुत SYLNR का निर्माण होया था केंद्र के हस्तक्षेप के पक्ष है, उसने रुकवाण में बलविंदर जटाना का बहुत बड़ा हाथ था। 1990 में बलविंदर जटाना ने SYL प्रोजेक्ट के ऑफिस में चंडीगढ़ में जाकर जो इस प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर थे MS सिकरी और अवतार ओलख, दोनों को मार दिया था। इनकी हत्या के पक्ष है पंजाब में SYLNR के निर्माण का काम पूरी तरह से रुक गया था। फिर सितंबर 1991 में बलविंदर जटाना का पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। दोस्तों, ये सारे फैक्ट जानकर आपने के लागे सिद्धू मूसेवाला का जो गाना है SYL के ऊपर, यो कितना सही है कितना गलत, कमेंट करके जरूर बताइयो। सिद्धू मूसेवाला के मन का दुख मने भी है, पर जो गलत है उसको गलत कहना पड़ेगा, जो सही है उसको सही कहना पड़ेगा। आपने वीडियो देखी, मैं सबका धन्यवाद करूं।